इस दुनिया में हर इंसान की एक कहानी होती है, जिसका हीरो वो होता है। कुछ सुनी, कुछ अनसुनी। सोचा आज अपनी कहानी भी सुना दूं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, गुरूर या एरोगेंट ना समझना, ये मेरा एटीट्यूड है। मेरी कहानी में हीरो, विलेन, अच्छा बुरा, राजा प्रजा, कानून सरकार, सब कुछ मैं हूँ। मैं, ये कहानी मुझसे शुरू होती है और मुझ पे ख़त्म, क्योंकि ये कहानी मेरी है और मैं इस कहानी का जयकान सिकरे। यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया। सो विद माई परमिशन इस कहानी को शुरू करते हैं अभी के अभी। ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, जल्दी से शुरू करता हूँ। इस कहानी की शुरुआत 1999 में हुई थी, when I was born। लेकिन एक सेकंड, रुको जरा, सबर करो, कहानी तो बड़ी लंबी है, पता नहीं कब तक चलेगी। लेकिन अगर कहानी शुरू करने से पहले हीरो को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो ये तो ऐसी बात हो गई कि तुमने पूरी DDLG देख ली और लास्ट में तुम ये कहते हो कि भाई ये राज कौन था। लेकिन कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये हूँ मैं, एक नॉर्मल, सिंपल और कॉमन मैन। लेकिन वो कहते हैं ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। कुछ भी करने का, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक नॉर्मल सी जगह, नॉर्मल से घर में रहता हूँ। मैं कोई ज़्यादा फेमस बंदा नहीं हूँ, मैं एक एवरेज लुकिंग बंदा हूँ। मैं कुछ 22 साल का हूँ और सच बताऊँ तो मैंने इन 22 सालों में कुछ भी नहीं उखाड़ा। लेकिन हीरो चाहे जैसा हो, हीरो तो हीरो है। तो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी स्टाइल, एटीट्यूड सब कुछ है। मेरा चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना सब कुछ स्टाइल में होता है। मेरी कहानी में मेरा अंदाज ही अलग है, क्योंकि अंदाज तो अपना अपना होता है। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। Drop the beat. Woo!